सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकर श्री बलिदान भोल सांचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्भिघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ श्री दुर्गायै नमः। दन ॐ बालरभिद्युतिमिन्धो किरीटां तुञ्जकुजां नयन त्रययुक्तां सुमेधमुखेन्द्रयदाङ्कुशपाशां भीतिकरां प्रभसे भुवनेशे। ॐ ऋषिर्वाच दिव्याहते तत्र महासुरेन्द्रं चन्द्रः सुरभन्यपुरोगमास्ताम् कात्यायनीं दोष्टपुरेष्टलाभात् विकाशिभक्त्राभविकाशिदाशा देवे प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगताखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरि देवि चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महेश्वरूपेण यतः स्थितासि अपास्वरूपास्तु त्वया त्वयैतत् आप्यायते कृष्णमलङ्गभीर्यम् त्वं वैष्णवीशक्तिरनन्तभीर्यम् विश्वस्य बीजम् परमासि मायाम् सम्माहितम् देवि समस्तमेतत् त्वम् देवि प्रसन्ना भुवि मोक्ति हेतुः विद्या समस्ता समदेभिभेदः श्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम् भयेतत् का ते स्तुतिसाभ्यपरा परोक्तिः सर्वभूतान्यथा देवे स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं सुधा सुधैका भवन्तो परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणे नमस्तु ते कलाकाष्ठाधिरूपेण परिणाम प्रदायिनि विश्वस्य भरतशक्ते नारायणे नमस्तु ते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शुभे सर्वार्थसाधिके शरण्ये ब्रह्मते गौरी नारायणे नमस्तु ते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणे नमस्तु ते शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवे नारायणे नमस्तु ते हंसयुक्ताभिमानस्ते ब्रह्माणे लोपधारिणि कौशाम्बहचलिते देवे नारायणे नमस्तु ते त्रिशूलचन्द्राहिदले महावृषभवाहिनि माहेश्वरि स्वरूपेण नारायणे नमस्तु ते मयूरकुक्रलमिते महाशक्तिधरे नगे कौमारीरूपसंस्थाने नारायणे नमस्तु ते
शंख चक्र गदा शारंगृहीता परमायुध प्रसीद वैष्णवेनो नारायणे नमोस्तुते गृहीतोऽग्र महाचक्र दृष्ट्वा धृतलसुन्धरे वराहरूपिणि शिवे नारायणे नमोस्तुते नृसिंहरूपेण अग्रेण अन्तं धृत्वा कृतोद्धमे त्रैलोक्यत्राणि सहित नारायणे नमोस्तुते करीटने महावज्र सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्र प्राण हरे चंद्र नारायणे नमोस्तुते शिवधूते स्वरूपेण हतधृत्य महाबले घोररूपे महागावे नारायणे नमोस्तुते दशाकरालवदने शिरोमालाभिभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणे नमोस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्धे श्रद्धे पुष्टे सुधे ध्रुवे महारात्रे महाविद्धे नारायणे नमोस्तुते वेदे सरस्वती वरे भूतिभ्रमितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणे नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वैव्यस्त्राहिणो देवे दुर्गे देवे नमोस्तुते एतत्रे वदनं सौम्यं लोचनात्राभूषितं वादुनः सर्वभीतेभ्यः कात्यायने नमोस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूधनं त्रिशूलं वादुनो भीतभद्रकाले नमोस्तुते हिनस्ति धर्तधैर्यांसि ध्वनेनापूरिजाजगत् साखण्डा पातु नो देवी पापेभ्यो नासुधानिव असुराधृगमसामञ्जचित्रस्य करोज्ज्वलः शुभाय खरगो भवतो चण्डके त्वां नता भयम् रोगानशेषान् महसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान्नविष्टा त्वामाश्रितानां न विपन्नानां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति एतात्कृतं यत् कदनं त्वयाध्यं धर्माधिशां देभिमहासुरानां रूपैरनेकेन बहुधा त्वमूर्तिं कृत्वाम्भिकेतत् प्रकरोति काम्यां विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे शुभाधे शुभाकेषु चकात्मधन्यां मम त्वगरतेति महान्धकारे बिभ्रामयते तददेव विश्वं रक्षांसि यत्र घविशासनाघा यत्रारयोदस्य बलानि यत्र गाहानलो यत्र तथाभिमध्ये तत्रास्ति त्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरे त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिको धारयसेति विश्वं विश्वेश्वबन्ध्या भवति भवन्ति विश्वाश्रयाये त्वयि भक्तिनम्रः देवि प्रसीद परिपालयनोहिते नित्यं यथा सुरभदा तदुमेव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रसमङ्गयाशु उत्पातपाकजनिताश्च महोपसर्जन् प्रणतानां प्रसिद्धत्वं देवि विश्वातिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामे त्रैलोकानां वरदाफलं देभ्यो वाच वरदाहं सर्जनां वरं जन्मनसे शतं त्वं ऋणुद्धं प्रयच्छामि जगदामहकारकं देवा ओचुः सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अश्वलैरिविनाशनम् देभ्यो वाच देवसुरेन्द्रे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो विशुम्भस्य उत्पलस्य महासुरौ
नंदनो भगृहे जाता यशोधा गर्भ संभव ततस्तो नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी पुनरप्यभिरुद्रेण रूपेण मृतभीतले अवतीर्यमयिष्यामि व्यप्रचित्रा सुदानवान् वक्षयन्त्रा शतानुग्रां व्यप्रचित्रान् महासुरान् रक्ता धन्ता भविष्यन्ति धारिणी कुसुमोपमा ततो मां देवतः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुभन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तधन्तिकाम् भूयश्वशतवाशिक्या मनावृष्ट्या मनं वसि मुनिभिः संस्तुता भोग संभविष्यामि यो लीला ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनि कीर्तयिष्यन्ति मुनयः शताक्षीमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकम् आतं देह समुद्भवे वरिष्यामि सुराशाके आवृष्टेः प्राणधारके शाकम्भरेति विख्यातं तदा यस्यामहं भवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गादेवेति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि रक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मा मुनयः सर्वेस्तुष्यन्त्राणं रमूर्तयः भीमादेवेति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति जगारुणाख्ये त्रैलोके महाभागं जयिष्यति तदाहं रामयं रूपं कृत्वा सङ्ख्ये षड्वदं त्रैलोकस्य वदिष्यामि महासुरम् रामरेति च मालोका सदा स्तोष्यन्ति सर्वः इत्थं यदा यदा वाचा दानवोत्था भविष्यति तदा तदाहतिर्याहं करिष्याम्यारे सङ्क्षया सायंकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ भगवती की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती की स्तुति करते हैं आरती की इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य को अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपके मनोकामना को आपके मनोरथ को पूर्ण करें जय आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकरण माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षफल होता है विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपके सुख समृद्धि के लिए आपका बधे के लिए आपके उन्नति के लिए आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है जहाँ स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं धन धन की वृद्धि करने वाले हैं जो ही भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है धन लाभ होते ही उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है वह आरोग्यता को प्राप्त होते हैं दीर्घायु को प्राप्त होते हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए
धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजननी माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। ध्यान ओम मृगपते स्कन्दस्थितां भेषणां कन्यां विहितरबालखेटविलसत् हस्ताभिरासेभितां हस्ते शक्रजदासिखेटविशिखाश सापं घुनन्तर्जने बिभ्रानामनलात्मिकां च शिभरम् दुर्घं त्रिनेत्रां भजे ॐ गृभ्यो वाच एभिस्तवेशमानित्यं स्तोषदेयः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्यामि संशयं मधुकेटवनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यं द्विजेतद्भर्वदं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश नवम्यां चैकचेततः शोषन्ति ते भजे भक्त्या मम माहात्तमोत्तमम् नातेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोऽथा न चाबलः भविष्यति न दारिद्र्यं न चेभेष्टविभोजनम् शत्रुतानां भयं तस्य दस्युतो मानराजतः न शस्त्रा नरतो योगा कदाचित् सम्भविष्यति तस्मां ममेतन्माहात्म्यं पठितभ्यं समाहिते श्रोतभ्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्थैः तत् उपसर्गान् शेषास्तो महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातम् आहात्म्यं शमयेन्मम यत्रेतत् पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्षामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् बलि प्रधाने पूजायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वमनेतचरितमुच्चार्यं साभ्यमेव च जानता जानता वापि बलि पूजां तथा कृताम् प्रतिशिष्यामहं प्रीत्या भ्रण्यहामं तथा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिके तस्यामनेतन्माहतं श्रुत्वा भक्ते समन्वितः सर्वाबाधाभिनिर्मक्ता धनधान्यासुतान्वितः मनश्यामत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममेतन्माहतं तथा चोत्पत्त्यः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयापमान् ऋभवः संशयं जान्ते कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसमाहतमवशृणुताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने गृहपीडासु लोकासु माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गः शमं शान्ति गृहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च निर्दिष्टं सुस्वप्नं मम जायते बालग्रहविभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्घातभेदे जनेनां मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्भित्तानामशेषाणां वलहानेकरं परं रक्षाभूतपिशाचानां पठनादेवनाशनं सर्वं मे तन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्घ्यधूपेश्च गन्धदीपे सर्वोत्तमे विप्राणां भोजने होमिः प्रोक्षणीयैरहर्निशम् अन्येषाभिविधैर्वाजिः प्रधानैव सहेनय प्रीतिर्मे क्रियते सस्मिन् स्वात्रे सुचरिते श्रुते श्रुतमहर्ति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनां मम युद्धे सुचरितं जन्मे दुष्टदैत्यानिवर्हणं तस्मै श्रुतेभ्यलिखितं वयं पुंसां न जायते युष्माभि तुदयो जाश जाश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृता सास्तु प्रयच्छन्ति शुभामतिम् अरण्ये प्रातरे वापि धावाग्निः परिवारितः
दस्युर्भाविता शून्य गृहीत वापि शत्रु सिंह व्याघ्रान जातो भावने वावन हस्ति राजा क्रुद्धेन चाजप्तो भद्यो भंग गतो पिवाम आघूर्णितो भावातेन सिदः पोते महानवे पतस्तो चापि शस्त्रेषु संग्रामे विषधारुणे सर्वाघातासु घोरासु वेदना व्यथितो पिवाम समर्णमेत चरितं नरो मुञ्चेत संकटात् मम प्रभावा सिंहाद्यादस्यो वेलिग्रस्तः दूरादेवलायन्ते स्मरतश्चरितम् ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रम पश्यतामेव देवानां तत्र भान्त्राधीयत देवा निरातङ्कः स्वाधिकारान्यथा पुरा यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रविनिहतालयः दैत्यासृजेभ्या निहते शुम्भे देवरिभोजुलि जगद्विध्वंसने तस्मै महागृहतुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषः पातालमालयुः एवं भगवते देवे सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् त्वयेतन्भूयते विश्वं सेव विश्वं प्रसूयते राजाचिता च विज्ञानं तुष्टा ऋद्धिं प्रयर्षति व्याप्तं दयेत सकलं ब्रह्माण्डमहेश्वर महाकालया महाकाले महामारे स्वरूपया सेवकाले महामारे सेवसृष्टिं भवत्यया स्थितिं करोति भूतानां सेवकाले सनातने भवकाले निधं सेवा लक्ष्मीं वृद्धे प्रदा गृहे सेवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशाय ध्यायते सुधा सम्भोजिता पुष्पे धूमगन्धादिभिस्तः ददाति वित्तम् पुत्रा च मतिम् धर्मे गते शुभम् अथ सिद्धकुञ्जिकस्तोत्र शिवोवाच शृणो देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेन चण्डी जातः शुभो भवेत् नाकवचम् नाजलास्तोत्रम् कीलकम् न रहस्यकम् न सूक्तम् नाभिध्यानम् च नान्यासो न च वाचनम् कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्जापाठफलभवे अधिघयतरम् देवे देवानामपि दुर्लभम् गोपनेयम् प्रयतनेन स्वयोनिरिव पार्वती मारणमोहनम् वक्षम् सम्भनोच्चाटनादिकम् पाठमात्रेण संसिद्धेत् कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्ड्रायै भिच्चे ॐ ग्लौं ह्रौं क्लीं ह्रौं सः ज्वालय ज्वल 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्ड्रायै भिच्चे ज्वल हं जं लं जं घट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनी नमः केतवहारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुम्भहन्त्रे च निशुम्भासुरघातिनी जागृतम् हि महादेवी जपम् सिद्धिम् गुरुश्रवे ऐङ्कारे सृष्टिरूपाय ऋङ्कारे प्रतिपालिका ऋङ्कारे कामरूपिण्ये बीजरूपे नमोऽस्तु चामुण्डा चण्डघाते च एकारि वरदायिनि भित्ते च भयदा नित्यम् नमस्ते मन्त्ररूपिणि धां ह्रीं ह्रौं ह्रोर्गले पद्मे वां ह्रीं ह्रौं गजदेश्वरे त्रां ह्रीं ह्रौं कालिका देवे शाशी शोभे शुभं कुरु हुं 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 काररूपिण्ये झं 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 भनाधिनि ह्रां ह्रीं ह्रूं भैरवे भद्रे भवान् हेते नमो नमः अं कं चं तं तं पं यं षं भिं धुं ऐं भिं हं छं दिलाघ्रं दिलाघ्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां भीं भुं गार्हति पूर्ण काङ्क्षीं भुं खेचरि तथा सां सों सप्तशतीभ्य मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे इदं तु कुञ्जिकास्तोत्रम्
मंत्र जागृति हेतवे अभक्तैरेव दातव्यं गोपिकं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्ध अरण्ये रोदनं जता अथ दुर्गा अपद्धरष्टक नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्पे नमस्ते जगद्धात्रिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणे त्राहि दुर्गे नमस्ते जगच्चन्द्रमागस्वरूपे नमस्ते महायोगिविद्यानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणे त्राहि दुर्गे अनाथस्य दीनस्य कृशनाथुरस्य स्तारकर्त्रे नमस्ते जगत्तारिणे त्राहि दुर्गे अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्ये जने सङ्कटे राजगेहे प्रभाते त्वमेका गतिर्देविने स्तारहेतो नमस्ते जगत्तारिणे त्राहि दुर्गे अपारे महादस्तरे चन्तघोरे विवक्षागरे वर्जतां देहभाजां त्वमेका गतिर्देविने स्तारकौकां नमस्ते जगत्तारिणे त्राहि दुर्गे नमश्चन्द्रितचण्डधुरधण्डलीला प्रमत्खण्डितकण्डलाशेषशत्रोः त्वमेका गतिर्विघ्नसन्दोहर्त्रे नमस्ते जगत्तारिणे त्राहि दुर्गे त्वमेका सधाराधिका सत्यभादे त्वमेकाखिलाक्रोधनाक्रोधनिष्ठा पीडापिङ्गला त्वं सुषुम्ना च नाडी नमस्ते जगत्तारिणे त्राहि दुर्गे नमो देवि दुर्गे शिवे भीमराधे सदा सर्वसिद्धे प्रधाते स्वरूपे विभूतेः सदाकालरात्रेः स्वरूपे नमस्ते जगत्तारिणे त्राहि दुर्गे शरणमधिसुरानां सिद्धविद्याधराणां मुनिधनुजभराणां व्याधिविहीनानां नृपते गृहगतानां दर्शवेश्रासितानां वामसि शरणमेकां देवि दुर्गे प्रसीद श्रीभगवते स्तोत्र जय भगवति देवे नमः भारत जय Oh.
मनोर्थ पूर्ण करण वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आपसे भक्ति भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से जो प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो। हर भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। ये लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिन्हें देवी की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजन ने यक्त माता के दरबार में आकर के इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, माँ भगवती की विशेष कृपा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भक्तजन अपने कल्याण के लिए ये लोग और परलोक जो है कल्याण हो जाए, इसके लिए धर्म कर्म करते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हैं, जप करते हैं, पाठ करते हैं कि हमारे पापों का नाश हो, पुण्य की प्राप्ति हो, हमारी जीवन यात्रा सुखद हो, यही लोग कल्याण में हो और प्रलोभ जो है सुख में हो जाए। इसलिए सदा सर्वदा जो है, क्योंकि एक मनुष्य देही एक ऐसी जिसमें साधक जो है साधना कर करके वह अपना कल्याण करता है, क्योंकि मनुष्य शरीर ही एक ऐसा है, एक ऐसा साधन है। साधना के लिए जो मनुष्य शरीर जो है, मनुष्य देह जो है, ये एक साधन है और ये बड़ा दुर्लभ है। जब देव कृपा होती है तो ही जो है जीव को जो है मनुष्य देह की प्राप्ति होती है। 84 लाख जोने भोगते भोगते कष्ट भोगते हुए वह जीव दुखी हो जाते हैं, देव कृपा करते हैं, माँ की कृपा होती है, वह दया करते हैं, तो फिर जीव को जो मनुष्य देह की प्राप्ति होती है, जिसमें वह सत्कर्म करता हुआ वह अपना कल्याण करता है। और इसलिए कहा है
कि मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है और जो साधक जो है ये शरीर का ठीक प्रकार से सदुपयोग करते हैं वास्तव में उन्हीं का जीवन धन्य है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर गृहस्थ त्याग करके वनों में चले जाते हैं, जंगल में जाते हैं, तब करते हैं। बहुत सारे ऐसे जो अपने घर गृहस्थ में रहते हुए जो है साधना करते हैं। ऐसा नहीं है कि गृहस्थी में रहते हुए व्यक्ति साधना नहीं कर सकता या अपना वह कल्याण नहीं कर सकता, गृहस्थ में रहते हुए भी कर सकता है। राजा जनक जो है जिन्होंने इतना बड़ा राज्य संभाला हुआ था और सब कुछ होते हुए इस प्रकार से गृहस्थ में रहते हुए भी उन्होंने जो है अपना परम कल्याण कर लिया था गृहस्थ में रहते हुए, ऐसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो जिस चार आश्रम जो बतलाए गए हैं, पहला आश्रम जो है ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 वर्ष तक शास्त्र में जो बतलाया है कि मनुष्य को जो है ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जितना ज्ञान प्राप्त हो सके ज्ञान प्राप्त करें। उसके उपरांत जो है फिर आता है गृहस्थ आश्रम, दूसरा आश्रम। फिर गृहस्थ आश्रम में होते हुए जो है गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे आता है वानप्रस्थ आश्रम, और फिर चौथा आश्रम है सन्यास। परंतु शास्त्र में कहा है कि गृहस्थ आश्रम जो है सबसे श्रेष्ठ आश्रम जो है बतलाया गया है, सबसे श्रेष्ठ आश्रम जो है ये गृहस्थ आश्रम बतलाया गया है। और जो भी शास्त्र में कहा है कि मनुष्य शरीर में आकर के मनुष्य देह में आकर के जिस व्यक्ति ने प्रथम अर्जित ज्ञानम, द्वितीय अर्जितम पुण्यम, द्वितीय अर्जितम धनम, तृतीय अर्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम कृष्यति। पहली अवस्था में जिसने ज्ञान प्राप्त नहीं किया और दूसरी अवस्था में आकर के अर्थात गृह शास्त्र में आकर के फिर क्या ही धन अर्जित करना, और धन कैसे अर्जित करना है, धर्म पूर्वक जो है धन अर्जित करना, तृतीय अर्जितम पुण्य, और जिसने फिर तीसरी अवस्था में आकर के पुण्य अर्जित नहीं किया तब चतुर्थे किम कृष्यति, चौथी अवस्था में आकर के फिर क्या करेगा, कुछ नहीं। जैसे जर्जर हो चुका होगा, चलने में असमर्थ है, देखने में असमर्थ है, सुनने में असमर्थ है, उस समय यदि कहे कि बैठ करके मैं ध्यान करता हूं तो कहां कमर में दर्द है, बैठना कठिन है। यदि कहते मैं तीर्थ में चलूंगा, माँ के दर्शन के लिए चलूंगा, वैष्णो देवी आऊंगा, इस प्रकार से तब जो है चलने में असमर्थ है, कथा सुनूंगा, सत्संग में बैठूंगा तो सुनने में असमर्थ है, शास्त्र पढ़ूंगा तो देखने में असमर्थ है, ध्यान करूंगा तो बैठने में असमर्थ है। तो चौथी अवस्था में, क्योंकि शुरू से ही जब है प्रारंभ अवस्था में ही इस प्रकार धर्म के मार्ग पर चलता हुआ, क्योंकि जीवन धर्म का त्याग मत, इसलिए कहा है कि बच्चों को खूब ज्ञानवान बनाइए और प्रारंभ अवस्था में ही उनको बतलाइए कि धर्म क्या है, धर्म करने से क्या होता है। हम मंदिर में जाते हैं, वहां भगवान को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करने से क्या होता है, देव देवता का आशीर्वाद मिलता है, हमारा जीवन जो सुखी होता है, रोग से मुक्ति मिलती है, निरोगी जीवन प्राप्त होता है, कार्य में सफलता प्राप्त होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, इस प्रकार से प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है, जीवन यात्रा सुखद बनी रहती है, जो देव देवता की आराधना का, पूजा का, जप का, पाठ का, स्नान का, ध्यान का जो महत्व है। मंत्र में जाते हैं वहां पर जो तिलक करते हैं, क्यों करते हैं, बच्चे को पता हो कि प्रतिदिन जो है, क्योंकि दो नेत्र चर्म चक्षु जिनसे हम देखते हैं, तीसरे जो ज्ञान चक्षु है, जहां पर ज्ञान चक्षु की पूजा होती है प्रतिदिन जो है, हमारा ज्ञान हमारी बुद्धि जो है ठीक प्रकार से काम करे, ठीक प्रकार से निर्णय करे, हमारा ज्ञान जब वृद्धि को प्राप्त हो, इस प्रकार से तिल करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, देव भूता देव जय, देवता बनकर के देवता की पूजा करनी चाहिए, तभी वह पूजा सफल होती है। प्रणाम करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, भगवान के चरणों का चरणामृत ग्रहण करें।
इस प्रकार से जो विधि विधान है और इस तरह से जब शास्त्र विहित कर्म जब साधक करते हैं तो उसके जीवन में कोई विघ्न बाधा नहीं आती। तो गृहस्थ धर्म जो है जी जो है सबसे श्रेष्ठ धर्म बतलाया गया है। गृहस्थ में रहते हुए जो व्यक्ति जो है वह सब प्रकार से वह कल्याण को प्राप्त हो सकता है। कहते कि समय की बात है, कुछ ब्राह्मण बालक जो है थोड़े मंद बुद्धि थे, कुलीन कुल में जन्म हुआ, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, उन बच्चों ने छोटे छोटे बालक थे विचार किया कि हमें जो तप करना है, साधना करनी, भगवान की आराधना करनी है, माता पिता का त्याग किया, भाई बंधु का त्याग किया, घर गृहस्थ त्याग कर करके निकल पड़े, संकल्प ले लिया हमें तप करना है, वन में चले गए और वन में जो है तप करने लगे, वन में भटकने लगे। इस प्रकार से अब मार्गदर्शन कौन करे, कैसे साधना करनी है। तो इस प्रकार से वन में रहते हुए जो है वह ब्राह्मण बालक जो थे बड़ा कष्ट प्राप्त कर रहे थे, बड़ा ही कष्ट प्राप्त कर रहे थे, परंतु कोई इसका साधना करते निर्णय नहीं कर पा रहे थे, करें क्या। कहते हैं कि देवराज इंद्र को जो है उन बच्चों पर बड़ी दया आई और जब उन पर दया आई, क्योंकि सन्यासी का भेष जो बना करके वह वन में चले आए और उनकी जो है अवस्था बहुत ही छोटी अवस्था थी, और छोटी अवस्था में जो है उनने जो है गृह का त्याग किया और वे सभी धन धान्य से परिपूर्ण थे, अपने घर में कोई धन संपत्ति की कमी नहीं थी, परिपूर्ण थे, संपन्न थे, तथापि अपने माता पिता भाई बंधु का परित्याग कर करके उन्होंने जो है वन में जाना ही जो है श्रेष्ठ समझा, और जो गृहस्थ आश्रम को जो है उन्होंने श्रेष्ठ नहीं समझा परंतु वन आश्रम, वन में जाना श्रेष्ठ समझा। तो वन में जो है देही सुकुमार बालक जो है महान कष्ट को प्राप्त कर रहे थे, और उस संकट काल में कहते हैं कि उन्हें जब देवराज इंद्र ने देखा तो उन पर जो है उनको बड़ी दया है, जो नन्हे से बालक हैं, छोटे छोटे बालक जो है, और जो वन में कष्ट भोग रहे हैं, जी चाहते कि अपना कल्याण करने के लिए कल्याण कैसे हो, तो कहते हैं कि उनकी ऐसी स्थिति देख करके इंद्र को जब जो है बड़ी दया आई, तो उस समय इंद्र जो है एक पक्षी का रूप धारण कर करके उनके सामने उपस्थित हो गए। उन बालकों के हाथ में करमंडल है, वह इस प्रकार से श्वेत वस्त्र जो है धारण किए हुए हैं, बड़े सुंदर बालक हैं, परंतु मार्गदर्शन कोई मिला नहीं। अब जो है पक्षी के रूप में देवराज इंद्र वहां पर प्रकट हुए और जो है उन्होंने उन बालकों से कहा, उन पर दया करते इस प्रकार से कहा, पक्षी ने कहा कि गृहस्थ आश्रम जो है अनेक प्रकार की इसकी महिमा जो है उन्हें बतलाई, गृहस्थ आश्रम में क्या क्या होता है, किस प्रकार साधक जो है वह गृहस्थ आश्रम में रहते हुए पुण्य कर्म करता है, देखिए गृहस्थ में जो है क्या होता है, परिवार में जो है बच्चे होते हैं, माता पिता होते हैं, परिवार होते हैं, और जो है घर में माता जो है प्रतिदिन भोजन बनाती है, गौग्रास देती है, उस परिवार को भोजन करवाती है, पति की सेवा, बच्चों की सेवा, ये उसी की सेवा है, माँ की सेवा है, ये सारी सृष्टि उसी की है, कितने लोगों की सेवा हो रही है वहां पर। गृहस्थ में पति जो है परिश्रम करते हैं, धन अर्जित करते हैं, फिर उस धन से जो है वह घर गृहस्थ चलते हैं, भगवान को भोग लगता है उस भोजन का, परिवार भोजन करते हैं, फिर कोई भिक्षुक भिखारी आता है उसको भोजन खिलाया जाता है, उस गृहस्थ में कोई अतिथि आता है उसकी सेवा होती है, कोई साधु संत महात्मा होते हैं उसकी सेवा होती है, कितने जो पुण्य कर्म होते हैं गृहस्थ जो है, कितना परिश्रम गृहस्थ में रहते हैं, कितने जो है गृहस्थ इतना आसान नहीं है। अब गृहस्थ का त्याग कर वन में चले जाइए तो ना परिवार की चिंता ना कुछ है उसमें, लेकिन गृहस्थ में रहते हुए तप करना वास्तव में ये असली तप है, सबसे कठिन तप है, फिर भी समय निकाल करके उस माँ भगवती आदि शक्ति स्मरण करना, माँ की जोत जगाना, माँ की आरती करना, माँ से प्रार्थना करना कि माँ हम पर कृपा बनाए रखना, ये तेरा परिवार है, इस परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना,
कभी जीवन में ग्रस्त में कोई कष्ट आ जाए, जब बच्चों पर कोई विपत्ति आ जाए, बच्चे जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं, परिश्रम करते हैं, याद रहता नहीं या फिर बात मानते नहीं, तो भी माँ से प्रतिदिन प्रातः काल सायंकाल दोनों समय माँ की जोत जगा करके प्रार्थना करें, माँ मेरे बच्चों को मेरे परिवार को सद्बुद्धि सद्ज्ञान देना, इनको सफलता देना, बात नहीं मानते तो भी माँ भगवती इन्हें सद्ज्ञान देना, सद्बुद्धि देना। प्रार्थना में बड़ी अद्भुत शक्ति होती है, उस प्रार्थना से सब कुछ जो है सफल होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद मिलता है और परिवार जो है वह ग्रस्त जो है बिल्कुल सुखी बना रहता है, उसमें कोई विघ्न बाधा नहीं आती। ये ग्रस्त जीवन कैसे जीना है, ये सारी जो विधि जो है वह पक्षी के रूप में जो है इंद्र देव जो है उन बच्चों को समझा रहे हैं, उन बालकों को जिन्हें ग्रस्त का त्याग किया और वन में रह रहे थे, ग्रस्त आश्रम की महिमा बतलाते हुए उन्होंने कहा कि तपस्या जो है श्रेष्ठ कर्म है। ठीक है, तपस्या श्रेष्ठ कर्म है, इसमें संदेह नहीं है, परंतु जो है कि प्रजापर का मूल जो है जे तप है, परंतु ग्रस्त धर्म भी जो है जो सारी तपस्या का मूल है, ग्रस्त धर्म जो है, इसलिए जो है तपा श्रेष्ठम प्रजा नाम ही मूल महतन संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। तप जो है जिस सृष्टि का कारण है, ब्राह्मण तप किया तो इस सृष्टि करने में बस सफल हुई। तप कैसे किया, किसकी आराधना की, इस देवी की, इस आदि शक्ति की तपस्या की। ब्राह्मण ने माँ को प्रसन्न किया, शक्ति संपन्न हो गए, तप किया, तप सफल हुआ, माँ का आशीर्वाद मिला, तो जो है बस सृष्टि करने में समर्थ हो गए। इसी प्रकार से कुटुंब विधि नाने जस्मिन सर्वम प्रतिष्ठित हम, इस प्रकार परिवार में जो है सबको प्रतिष्ठित, जहाँ ग्रस्त में रहते हुए जो है व्यक्ति साधक जो है बस साधना कर करके अपना अपने परिवार का जो है कल्याण कर सकते हैं, वहाँ पर वनप्रस्थ भी आते हैं और इस प्रकार से सन्यासी भी आते हैं तो उनकी भी सेवा होती है। गृहस्थी जो किस प्रकार से फिर जो है जिनके मन में जो है अब बतलाते हैं कैसे जो है साधना करनी है। ग्रस्त में रहते हुए कहते हैं कि जिनके मन में द्वेष ना हो, तो ग्रस्त में रहते हुए कभी किसी के साथ द्वेष मत कीजिए, ये भी तप है। कभी किसी के साथ शत्रुता मत कीजिए, कभी ईर्ष्या मत कीजिए। बहुत सारे लोग जीवन भर जो है ईर्ष्या, इसके बाद ये क्यों है, जब मुझे मिलना चाहिए। कोई व्यक्ति जो है उन्नति को प्राप्त होते हैं तो ये उन्नतिशील कैसे हुआ, इसकी टांगे कैसे खींचनी है, कैसे इसको बर्बाद करना है, ये ईर्ष्या ये द्वेष जो है यही जो है दुख का कारण होता है। और जे वेदर जी को जब धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा था, क्योंकि धृतराष्ट्र के पास सब कुछ था, नेत्रहीन होते हुए राज्य की प्राप्ति हुई, धन की प्राप्ति हुई, संतान की प्राप्ति हुई, एक नहीं अनेक संतानें प्राप्त हुई, परंतु जीवन भर जो है धृतराष्ट्र दुखी रहा राजा होते हुए भी। तो दुख का कारण था, जब उन्होंने पूछा कि विदुर जी से, तो विदुर जी कहने लगे कि एक दुख तो ऐसा होता है, कुछ दुख ऐसे होते हैं आते हैं चले जाते हैं, और कुछ दुख ऐसे होते हैं वह आते हैं जाते नहीं जीवन भर, और वह कौन से ऐसे दुख हैं जो जाते नहीं, ऐसे व्यक्ति कौन है जो जीवन दुखी रहते हैं। धृतराष्ट्र का यही प्रश्न था कि मेरे जीवन दुख ही दुख रहेंगे, कभी सुख भी आएगा, तो उन्होंने बतलाया कि जो ईर्ष्यालु जो ईर्ष्या रखते हैं, जो द्वेष करते हैं, दूसरे का धन दूसरे का हक छीन लेते हैं, ऐसे व्यक्ति जो है तो दूसरे के प्रति जो है हमेशा जब बुराई सोचते हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन और अंतिम श्वास तक जो है कभी सुखी नहीं हो सकते। तो धृतराष्ट्र के जीवन कभी सुख आया ही नहीं, तो इसलिए देवराज इंद्र उनको बता रहे हैं कि सबसे पहले गृहस्थ में जो है अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या कभी द्वेष जो है जो मत रखे, जीवित तप है, सब प्रकार के धंधों से रहित जो हो जाते हैं, और वे ब्राह्मण इसी को जो तप मानते हैं यही तप है। कभी झूठ मत बोले, ये तप है, संकल्प ले ले, कभी किसी का बुरा मत करें, हमेशा भलाई के रास्ते पर जो है भले कर्म करें, कोई दुखी है उसका दुख दूर करने के लिए प्रयत्न करें, कोई बीमार है असमर्थ है इलाज नहीं करवा सकते हैं तो आप समर्थवान हैं, ऐसे व्यक्ति का जो है आपको उसकी सहायता करें, वह रोगी उसका रोग दूर हो जाएगा, वो जो आपको आशीर्वाद मिलेंगे आपके जीवन में सुखी सुख देंगे, अद्भुत सुख होगा। इसलिए जित तप है, यदि लोग में जो है व्रत को भी जो है जित तप कहे यही व्रत है, यही संकल्प होते हैं,
ऐसा नहीं कि हमने भोजन ही किया दिन भर जो है तो झूठ बोलते रहे, दूसरे का बुरा करते रहे, तो फिर व्रत क्या होगा? व्रत होती है प्रतिज्ञा, हम व्रत करेंगे, हम बुरा कर्म नहीं करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, धर्म कर्म करेंगे, इसलिए बुरा कर्म नहीं करेंगे। जो तप होता है इसको करना चाहिए, और फिर जो है देवता की आराधना करना। वास्तव में क्या है कि इंद्रदेव समझा रहे हैं उस पक्षी के रूप में, कहते हैं कि घर गृहस्थ में माता पिता की सेवा, माता पिता की सेवा जो है साक्षात भगवान की देव सेवा है। माता पिता जो है शास्त्र में कहा है सबसे पहले माँ का नाम आता है मातृदेव भव, दूसरा नंबर पिता का आता है पितृदेव भव, फिर अतिथि देव भव, उसके उपरांत आचार्य देव भव। इस प्रकार से माता पिता की सेवा साक्षात भगवान की सेवा है, वह तप है। उनको जो माता पिता की सेवा करते सब तीर्थमयी माता, माँ जो है वह तीर्थमयी है और पिता देवमय है। जो घर में अपने माता पिता की सेवा करते हैं उनको घर बैठे ही समस्त तीर्थों और देव देवता का आशीर्वाद जो है घर में बैठता है, सब फल मिलता है वहीं पे। ऐसा इसका फल होता है, इसका जो करने योग्य जी है। ऐसे पक्षी गुरु देवराज इंद्र जी उनको समझाते हुए कह रहे हैं कि इस परिवार जो है सब अन्य लोग जो हैं जो उनके साथ रहते हुए जो है उनको सबकी सेवा करते हुए परिवार में जो सब परिवार जो है वह भोजन कर ले, फिर जो शेष बचे वो उसको वे यज्ञ का वो प्रसाद होता है उसको फिर ग्रहण करे, सबको तृप्त कर करके। वास्तव में ये तप है, ऐसा करने से वही लोग जो है परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से उस पक्षी गुरु में देवराज इंद्र जी उनको समझाते हुए गृह धर्म का आश्रम का जो है बतलाते हैं कि इतना इतना फल है, गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए आपको गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जो है माता पिता की सेवा करना, परिवार की सेवा करना, जिस सेवा परिवार से प्रारंभ होती है। ऐसे में हम जाए तो कहीं भंडारा लगा दें, घर में माता पिता भूखे हैं, वृद्ध हैं, वह कुछ कर नहीं पाते हैं, वह भूखे बैठे हुए हैं, हम चले जाएं लंगर लगाने के लिए तो उसका कोई फल नहीं। पहले सेवा घर से प्रारंभ होती है तो उसके बाद थोड़ा बाहर निकले जता समर्थ जो है। इस प्रकार से जिस कर्म करना चाहिए, ऐसे पक्षी रूप में इंद्र की बातें सुनकर के वह ब्राह्मण बालक जो थे अब जो है वह निर्णय करने लगे, हम तो गलत रास्ते चल रहे थे, ये पक्षी कोई देव रूप है, उनको उन्होंने प्रणाम किया, महाराज आपने स्वरूप में आकर के आपके स्वरूप को कौन है आप जो है, इस प्रकार से हमारा जो आपने मार्गदर्शन किए है, हमें आशीर्वाद दिए हैं और इस प्रकार से हमें आपने मंत्र बतलाया, घर में रहते हुए मंत्र जप करो, माता पिता की सेवा करो, ये सब जो है आपका हमें आशीर्वाद मिला है। और अब जो उन बच्चों ने जो है निर्णय लिया, महाराज अब हम जो है वापस पुनः घर जाकर के माता पिता की सेवा करेंगे, गृहस्थ आश्रम रहते हुए भगवान की आराधना करें, भगवत की आराधना करेंगे, मंत्र दिया उस पक्ष ने, इन मंत्रों का जप करो और नाम जप जो है जिस से पापों का नाश होता है, इससे साधु जो परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। ऐसे पक्षी के रूप में इंद्रदेव को आशीर्वाद दे करके मंत्र देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए और वह बालक जो थे फिर वापस लौटे आकर गृहस्थ आश्रम में आकर के जो है और उन्होंने जो है माता पिता की सेवा करते हुए घर गृहस्थ में रहते हुए वह परम कल्याण को प्राप्त हुए। सच्चे की जय। फिर गृहस्थ आश्रम में उन्होंने जो है गौ सेवा का विशेष फल बतलाया है, गौ ग्रास देना, गौ के चरणों में प्रणाम करना, पूंछ की पूजा करना और जो उसके शरीर के ऊपर हाथ जो फेरना, इससे कहते हैं जी समस्त पापों का नाश होता है और जो है समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है। स्नान करते हैं तो तीर्थों का नाम उच्चारण करने करते हुए आप स्नान करें प्रतिदिन जो है, इस प्रकार प्रतिदिन जो तीर्थों का स्नान का फल जो प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे शास्त्र में ऐसी विधि बतलाई गई है जिनके करने से, शास्त्र विहित कर्म करने से जो मनुष्य जो है ये जीव जो है इस लोक में भी अपने कल्याण को प्राप्त करते हैं, जो सुखी जीवन जीता हुआ उसका प्रलोक भी कल्याण हो जाता। बोलो सच्चे दरबार की जय। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए निवेदन कर रहा श्री मनिंदर से मां के चरण भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्तों से कीर्तन सहयोग देना से मिलकर बोलना ताली जाते हुए श्री मनिंदर जी। जय करा शिरोमणि जी का बोल सच्चे दरबार की जय। शेरवाली कृपा कीजिए हाँ।
भक्ति का भर दीजिए
मत लेना मेरी इन बातों को, तुम दिल पे मत लेना मेरी इस बातों को, हाँ तुम दिल पे मत लेना मेरी इन बातों को। मैं तो एक पागल हूँ जगता हूँ रातों को, तुम दिल पे मत लेना मेरी इन बातों को, तुम दिल पे मत लेना मेरी इन बातों को, हाँ तुम दिल जो भी मन में हो वो कीजिए, जो भी मन में हो वो कीजिए, जो भी मन में हो वो कीजिए माँ, जो मन में हो वो कीजिए, अशेरों वाली कृपा कीजिए। संभालो माँ माया के बंधन से, मुझको तुम निकालो माँ माया के बंधन से, तुम मुझको निकालो माँ माया के बंधन से, तुमको तो निकालो माँ। ओ मैं तेरा बेटा हूँ, तुम मुझको संभालो माँ माया के बंधन से, तुम मुझको निकालो माँ माया के बंधन से, मुझको निकालो माँ माया के बंधन से, मुझको निकालो माँ। इतना तो कर्म कीजिए माँ, 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 आशीर्वाद वाली कृपा कीजिए, सच्चे दरबार की जय। तभी भजन प्रस्तुत करेंगे श्री विजय कुमार जी। जयकारा शेरों वाली दा, सच्चे दरबार की जय। चरना दे बिच बैके मिलना प्यार दा दीदा, चरना दे बिच बैके मिलना प्यार दा दीदा, आजो भक्तो कर लो ए दीदार दा दीदा, आजो भक्तो कर लो ए दीदार दा दीदा, आजो पक्तो कर लो ए दीदार दा दीदार, आजो पक्तो कर लो ए दीदार दा दीदार। ओ चरना दे बिच बैके मिलना प्यार दा दीदार, चरना दे बिच बैके मिलना प्यार दा दीदार, आजो पक्तो कर लो ए दीदार दा दीदार, आजो पक्तो कर लो ए दीदार दा दीदार। रल मिल सारे अज ताड़िया बजा लवो, ताड़िया बजा लवो अज ताड़िया बजा लवो, शेरां वाली मैया दिया
बेटा अज गाल वो बेटा अज गाल वो हाँ बेटा अज गाल वो दरसिया जी ना किता है सत्कार दा सीधा दरसिया जी ना किता है सत्कार दा सीधा आ जो भक्तो कर लो ए दीदार दा सीधा आ जो भक्तो कर लो दीदार दा सीधा चरणा दे विच बह के मिलना प्यार दा सीधा चरणा दे विच बह के मिलना प्यार दा सीधा आ जो भक्तो कर लो दीदार दा सीधा आ जो भक्तो कर लो दीदार दा सीधा ओ नच नच मांदर मैया नु मना लवो मैया नु मना लवो अज मैया नु मना लवो ओ दाती दिया रंगा विच रूहानु रंगा लवो रूहानु रंगा लवो रूहानु रंगा लवो किन्ना सोना जहो किन्ना सोना सजया ए दरबार दा सीधा किन्ना सोना सजया ए दरबार दा सीधा आ जो भक्तो कर लो ए दीदार दा सीधा आ जो भक्तो कर लो दीदार दा सीधा आ जो भक्तो कर लो ए दीदार दा सीधा आ जो भक्तो कर लो ए दीदार दा सीधा ओ उच्चिया पहाड़ा विच शेरा वाली बसदी शेरा वाली बसदी शेरा वाली बसदी ओ भगता प्यारिया नू बड़ी सोनी लगदी बड़ी सोनी लगदी हाँ बड़ी सोनी लगदी किन्ना सोना किन्ना सोना किन्ना सोना लगता है शिंगार दा सीधा किन्ना सोना लगता है शिंगार दा सीधा मिया जो भक्तो कर लो ए दीदार दा सीधा मिया जो भक्तो कर लो ए दीदार दा सीधा मैया नाल जोड़ लवो मैया नाल जोड़ लवो हाँ मैया नाल जोड़ लवो ओ ऐ पासे गुनाहानू मैया दर मोड़ लवो मैया दर मोड़ लवो हाँ मैया दर मोड़ लवो सारे उत्ते होया ए उपकार दा सीधा सारे उत्ते होया उपकार दा सीधा आ जो भक्तो कर लो ए दीदार दा सीधा आ जो भक्तो कर लो दीदार दा सीधा ओ चरणा दे विच बह के मिलना प्यार दा सीधा चरणा दे विच बह के मिलना प्यार दा सीधा आ जो भक्तो कर लो ए दीदार दा सीधा आ जो भक्तो कर लो दीदार दा सीधा मां दे जकारे अज लालो दिल खोल के लालो दिल खोल के हाँ लालो दिल खोल के ओ जैमा जैमा आख लवो मेरे वांगू बोल के मेरे वांगू बोल के मेरे वांगू बोल के चरणा दे विच बैठा सेवादार दा सीधा चरणा दे विच बैठा सेवादार दा सीधा मिया जो भक्तो कर लो दीदार दा सीधा जो भक्तो कर लो दीदार दा सीधा मिया जो भक्तो कर लो ए दीदार दा सीधा आजो 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 भक्तो कर लो ए दीदार दा सीधा जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय हाजरियां परवान करो महाजरियां हाजरिया परवान करो महाजरिया हे भक्त वत्सला मात हे भक्त वत्सला मात मात आई जागी वाली रात हाजरिया परवान करो महाजरिया हाजरिया परवान करो महाजरिया हाजरिया
ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪਰਵਾਨ ਕਰੋ ਮਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੀਲ ਕੰਠ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੀਲ ਕੰਠ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ ਬਾਬਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ ਬਾਬਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਮਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਲ ਚਾਤ ਮਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਲ ਚਾਤ ਮਾਤ ਆਈ ਜਾਗੇ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪਰਵਾਨ ਕਰੋ ਮਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪਰਵਾਨ ਕਰੋ ਮਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪਰਵਾਨ ਕਰੋ ਮਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਵਾਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੀਰ ਔਲੀ ਆਉਣ ਦੇਵਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੀਰ ਔਲੀਏ ਆਉਣ ਦੇਵਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਭ ਦੇ ਭਾਰ ਉਤਾਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਭ ਦੇ ਭਾਰ ਉਤਾਰੇ ਕਰ ਮਹਿਰਾ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰ ਮਹਿਰਾ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਮਾਤ ਆਈ ਜਾਗੇ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪਰਵਾਨ ਕਰੋ ਮਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪਰਵਾਨ ਕਰੋ ਮਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ 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 ਪਰਵਾਨ ਕਰੋ ਮਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪਰਵਾਨ ਕਰੋ ਮਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਭਵਾਨੀ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਭਵਾਨੀ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਦੀਮਾ ਮਾਫੜ ਲਾ ਲੈ ਕਰਨੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਦੀਮਾ ਮਾਫੜ ਲਾ ਲੈ ਚਰਨੀ ਐ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਐ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਮਾਤ ਆਈ ਜਾਗੇ ਵਾਲੀ ਰਾਹ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪਰਵਾਨ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪਰਵਾਨ ਕਰੋ ਮਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਹੇ ਭਗਤ ਬਖਸ਼ਲਾ ਮਾਂ ਹੇ ਭਗਤ ਬਖਸ਼ਲਾ ਮਾਤ ਮਾਤ ਆਈ ਜਾਗੇ ਵਾਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪਰਵਾਨ ਕਰੋ ਮਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ 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 ਪਰਵਾਨ ਕਰੋ ਮਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪਰਵਾਨ ਕਰੋ ਮਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ 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 ਪਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੈ ਗਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਉਤ ਤਹੇ ਮਰੁਚਿਰਾ ਮਰਵ ਚੰਦ੍ਰ ਮੰਨੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦਣੋ ਸਰ ਜੋਤ ਕੁਛ ਪੈਸ ਸੋਲਾ ਰਮੇ ਰਭਜ ਸਦਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਰੂਪਾ ਕਾਮੇਸ਼ਰਮ ਹਰਿ ਭਜਾਮ ਤ੍ਰਿਤੇਂਦ ਲੇਖਾ ਸੱਚੀਆਂ ਜੋਤੇ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੰਪਾ ਸੇ ਆਪ ਭਕਤ ਜਿਨੋ ਕੇ ਸਾਇੰਕਾਲ ਕੀ ਆਰਤੀ ਮੇ ਮਾਂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਮੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੇ ਕਾ ਸੌਭਾਗਯ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਆ ਆਪ ਬੜੇ ਹੀ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹੀ ਪੁਣਿਆਤਮਾ ਹੀ ਜਬ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਇਸ ਆਰਤੀ ਕੀ ਪਰਮਵਿੱਤਰ ਵੇਲਾ ਮੇ ਮਾਂ ਕੇ ਚਰਨ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨੇ ਕਾ ਪੁਣ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨੇ ਕਾ ਇਹ ਜਗਜਨ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਕਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਕਾ ਆਪ ਭਕਤੋਂ ਕਾ ਸੌਭਾਗਯ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਆ ਹੀ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਭਕਤ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਔਰ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਚਰਨੋਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਾ ਸੌਭਾਗਯ ਸਦਾ ਸਰਵਦਾ ਆਪ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਤਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪਰਮਵਿੱਤਰ ਵੇਲਾ ਮੇ ਆਪ ਸਹੀ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਆਰਤੀ ਕੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੋ ਵੀ ਮਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਬੁਰੀ ਬੁਰੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਵੇ ਸੰਤ ਤੇ ਭਾਨੇ ਭਵੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜਸਸਵੇ ਭਵੇ ਪ੍ਰਗਿਆ ਭਾਨੇ ਭਵੇ ਭੂਰ ਭੂਤ ਕਰਨੇ ਧਾਨੇ ਕਨਿਸ਼ਠੋ ਭਵੇ ਤੇਜਸਵੀ ਭਵੇ ਧੈਰਿ ਦਰਭ ਦਲਣੇ ਵਿਆਪਾਰ ਦਕਸ਼ ਭਵੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਬਰ ਪਾਦ ਪੂਜਨ ਰਤਹਿ ਸਰਵੋਪਕਾਰੀ ਭਵੇ ਮੰਤਰ ਅਰਥ ਸਫਲਾ ਸੰਤ
पूर्ण संत मनोर्थ है। शत्रुनाम बुद्धि नाशस्तु मित्रेनाम देश शरीर वर्चस्व आयुष्म आरोग्यमाविदात् शुभमानम हीयते धनम धान्यम पशुं बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु अस्तु दीर्घमायु। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपका सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धन्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक कर। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे, सब मिलकर बोलना ताली बजाते हुए। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी तुम को निषद न जावत मैया जी को निषद न जावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय भरता भरत दुख हरता भरत दुख
पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलिए ओम या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु, बुद्धि रूपेण संसिता, नमस्तस्य नमस्तस्य, नमस्तस्य नमस्तस्य, नमस्तस्य नमो नमः, नमस्तस्य नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु, शक्ति रूपेण संसिता, नमस्तस्य नमस्तस्य, नमस्तस्य नमस्तस्य, नमस्तस्य नमो नमः, नमस्तस्य नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु, लक्ष्मी रूपेण संसिता, लक्ष्मी रूपेण संसिता, नमस्तस्य नमस्तस्य, नमस्तस्य नमस्तस्य, नमस्तस्य नमो नमः, नमस्तस्य नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु, दया रूपेण संसिता, दया रूपेण संसिता, नमस्तस्य नमस्तस्य, नमस्तस्य नमस्तस्य, नमस्तस्य नमो नमः, नमस्तस्य नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु, मातृरूपेण संसिता, मातृरूपेण संसिता, नमस्तस्य नमस्तस्य, नमस्तस्य नमस्तस्य, नमस्तस्य नमो नमः, नमस्तस्य नमो नमः। दुर्गा माता की जय, कृष्ण माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, सरस्वती माता की जय, सच्चे दरबार की जय। तो परम पूज्य पुजारी जी माँ भगवत की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गई। इस पवित्र गुफा का पूजन करके अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। ये प्रेम से बोलो Jai Mata Di, 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 Jai Mata Di,
उसके भाव से दोनों हाथ जोड़ करके मां से प्रार्थना करेंगे। सब मिलकर के बोलना देही सौभाग्यम आरोग्य सौभाग्यम परमं सुख में परमं सुख रूपं देहि जयं देहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दशो जहि यशो देहि दशो जहि ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तो निरामया सर्वे सन्तो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ शान्तिः शान्तिः आरती क्रम देखे सुने और मानी मन मां भगवत का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सभी आरती गणंद लीजिए और मां से प्रार्थना कीजिए, मां भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। Thank you.
बोलो सच्चे दरबार की जय। पूज्य गुरु महाराज की जय।
सच्चे दरबार की है। सारे भक्तों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। बोल सच्चे